नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। चीन और अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में भयंकर उछाल आया है और फिर से कोविड के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते केसों को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए वेरियंट पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए थे। सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के भी कहा था। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, एक चीन में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर एक अहम बैठक भी होगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, कोरोना का जो कहर है अब वो चीन काफी झेल रहा है। चीन की हालत अगर बात की जाए तो चीन की हालत बेहद ही खराब हो चुकी है। जो उनके शमशान घाट है वहां पे लाइनें लगानी पड़ रही है। जिस प्रकार से भारत में राशन के लिए लाइनें लगानी पड़ती है, तो चीन में शमशान घाट पे लोगों को लाइनें लगानी पड़ रही है। अगर वही बात अमेरिका की जाए तो 19,000 से ज्यादा केसेस अमेरिका में मिले हैं। भारत में भी इक्का दुक्का केस कोविड के आ रहे हैं। और जिस तरीके से चीन और अमेरिका में कोविड ने दोबारा से इस बार कड़ी दस्तक दी है, उस पर देखते हुए भारत में भी जो है अब कड़े प्रतिबंध अब आने वाले समय में, क्योंकि क्रिसमस की पार्टी लोग करते हैं, न्यू ईयर की पार्टी लोग करते हैं, तो गैदरिंग ज्यादा होती है, लोग घूमने भी जाते हैं पहाड़ वाले स्थानों पे, एक जगह से दूसरे को घूमने भी जाते हैं। ये महीना पूरा जो होता है ट्रेवलिंग का होता है, तो आने वाले समय में भारत की तरफ से कुछ कड़े प्रतिबंध देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में 144 लागू की गई है कि 4 लोगों से ज्यादा एक जगह पे नहीं रहेंगे। ये कम से कम 10 दिन पहले लागू की गई थी, कोविड को ही देखते हुए लागू की गई थी। तो आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया, वो अपनी बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे कि स्थिति क्या है। विदेशों की भी स्थिति की चर्चा होगी, जो चीन और अमेरिका में जो कोहराम मचा हुआ है कोविड को लेके, क्योंकि अमेरिका और भारत का आना जाना भी कई लोग का लगा होता है। और जिस प्रकार से जो कोविड पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, सभी राज्यों को ये निर्देश दे दिए हैं कि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराया जाए, ताकि पूरी पूरी जानकारी जो है रहे, और जो बाकी पिछले बार की तरह ऐसा कुछ ना हो जिससे पूरा देश एक बार दहल गया था कोविड समय। जी विवेक, जिस तरह से चीन और अमेरिका में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भारत में क्या कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं फिर से एक बार? देखिए मयूरी, हम प्रतिबंध झेल चुके हैं, पहले भी प्रतिबंध झेल चुके हैं, और लॉकडाउन की स्थिति हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन था, लोगों ने सफर किया है। तो उस तरह की लॉकडाउन की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ कड़े प्रतिबंध जैसे लगाए जा सकते हैं, जैसे पार्टी करने पर रोक लगाई जा सकती है, न्यू ईयर की पार्टी पर रोक लगाई जा सकती है, त्योहारों को उतने उत्साह से नहीं मनाया जा सकते, इस पर रोक लगाई जा सकती है। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धारा 144 लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां 4 लोग से ज्यादा आप इकट्ठे नहीं कर सकते। इसी नियम को जो बनाया गया है प्रशासन का, इसको बड़े ही कड़े तरीके से फॉलो करा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और भारत के अन्य प्रदेशों में इसे कड़े स्तर से फॉलो भी करा सकते हैं। तो अभी ये छोटे मोटे प्रतिबंध देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां गंभीर स्थिति बनने लगेगी वहां कड़े प्रतिबंध भी हमको देखने को मिल सकते हैं मयूरी। विवेक, अगर हम भारत में कोविड की बात करें तो पिछले हफ्ते सबसे कम एक्टिव केस पाए गए थे कोविड के, वहीं और देशों में भी कोविड के मामले घटे हैं, लेकिन चीन में लगातार बढ़ रहे हैं। क्या वजह है इस तरह से नए वेरिएंट जो बढ़ रहा है कोविड का मामला? देखिए मयूरी, अगर मैं पीछे जाके अगर बात करूं तो कोविड का जो रीजन था, सबने कहा था कि वुहान के जो लैब से ये वायरस निकला था, उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया था। WHO की एक टीम आई थी जांच करने वुहान, लेकिन WHO ने चीन को क्लीन चीट दे दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी थी। तो किस तरह से चीन जो है सारे जो संस्था है इंटरनेशनल फोरम है उनपे अपना एकाधिकार कर रहा है, और जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, हमेशा कोविड का कनेक्शन चीन से ही क्यों निकलता है? और हर बार की तरह, क्योंकि पहली बार जब यहां से निकला तो वुहान का पूरा शहर बंद था, लेकिन चीन के 2 बड़े शहरों को छोड़कर पूरे देश में जो है कोविड बेहद सामान्य था। इस बीच उसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही थी, जबकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डावडोल हो चुकी थी।
इस बार जो है चीन फिर से कोविड के खतरे में बना हुआ है, क्योंकि वुहान में जो उसका लैब है, जो जानकार बताते हैं, जो विशेषज्ञ बताते हैं, वो उस लैब में लगातार जो है वो टेस्ट करते रहा है, एक प्रकार के वायरस का टेस्ट कर रहा है, क्योंकि चीन अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर चल रहा है कि उसको जो है पूरी दुनिया पर एक ऐसा राज्य स्थापित करना है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको पूरी पूरी दुनिया में बेचना है, और उसका जो उपाय है वो किसी के पास ना हो। हमेशा हमेशा जो है चीन से ही कोविड की खबरें आती रहती है। अमेरिका काफी त्रस्त हो चुका था कोविड में, उसकी इकोनॉमी काफी लॉस हुई थी, इस बार भी अमेरिका में 19,000 से ज्यादा केसेस है। तो चीन का और कोविड का कनेक्शन जो है वो हर कोई समझता है, हर कोई जानता है, और हर बार जो है इस तरह की चीजें चाइना से देखने को मिलती है। इस बार चाइना की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसके शमशान घाटों में लोगों को घंटों घंटों तक लाइनें लगानी पड़ रही है लाशों को जलाने के लिए। मयूरी जी, विवेक, ये जो चीन में कोविड का नया वेरिएंट आतंक मचा रहा है, कितना खतरनाक है ये? देखिए, चीन में जो कोविड का नया वेरिएंट आतंक मचा रहा है, हर बार एक नया वेरिएंट हमको सुनने को मिलता है कोविड में, कोविड-19 के बाद ये नया वेरिएंट सुनने को मिलता है। इस बार भी एक नया वेरिएंट आया है जो काफी खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि चीन में हाहाकार मच गया है। अमेरिका में 19,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, एक्टिव केसेस हो चुके हैं, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चीन की हालत इतनी खराब है कि वो जो है शमशान घाटों पर लाइनें लगा रहा है, और चीन सरकार जो है इसको जो अलग तरीके से देख रही है, क्योंकि चीन की हालत गंभीर है और बेहद ही ज्यादा जूझ रहा है कोरोना से, लोग लाइनें लगा रहे हैं, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, किसी को इलाज की सुविधा ढंग से नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, और उनको अस्पतालों की लाइनें की वजह शमशान घाटों की लाइन में गुजरना पड़ रहा है। अभी अभी आपको याद होगा, हाल ही में तवांग सेक्टर पर चीनी सैनिकों की टुकड़ी जो है एलएसी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, तो ये चीन का एक मास्टरमाइंड था कि सबका ध्यान जो है भारत और चाइना के बॉर्डर पर जाए, जो चीन पे जो दुनिया का ध्यान जाना चाहिए, जिस WHO का ध्यान जाना चाहिए चीन पे, जिस UN का ध्यान चीन पे जाना चाहिए उस पे ना जाके बॉर्डर पे ध्यान जाना चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट पे ध्यान जाना चाहिए, और सब लोग बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करें, तब तो चीन जो है इसका कोई ना कोई उपाय कर लेगा। तो चीन की सोची समझी साजिश थी ये जो तवांग का सेक्टर था, ये कोविड के अपने बढ़ते मामलों को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए। मयूरी, विवेक, जिस तरह से चीन में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है, एक अहम बैठक भी की जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी है, कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडोलिया की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, आज ये बैठक होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे, और भारत के अनेक राज्यों में जितने भी राज्य हैं वहां जो कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और सभी राज्यों को यह निर्देश दे दिया कि जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं उसके जीनोम सिक्वेंसिंग कराएं, उसके अच्छे से जांच कराएं, और आने वाले समय में जो भी केस पाए जा रहे हैं उसके अच्छे से जांच कराएं, और जो विदेशों से जो आवागमन हो रहा है लोगों का, उनकी एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग कराया जाए, अच्छे से स्क्रीनिंग कराया जाए, फिर ये भी हो सकता है कि उनको कुछ दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जाए, जैसे पहले ऐसा होता रहा था, ताकि केसेस जो है भारत में चीन और अमेरिका बाद बढ़ने ना पाए, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड में किस तरह से जब भारत में सेकेंड वेव में केसेस बढ़ने लगे थे तो भारत की स्थिति क्या थी, हमने ये देखा हुआ है। तो भारत सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में लगी हुई है कि इस बार कोविड से हमें नुकसान ना हो पाए। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चुनाव की अधिसूचना जारी पर आज सुनवाई होगी, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच फिर से आज सुनवाई करेगी। बता दें, ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने पर सरकार ने कहा है मामले में मांगे गए सारे जवाब दाखिल कर दिए गए। वकील ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगने की अपील की है। मामले में मांग को लेकर कोर्ट ने अपील नहीं मानी है। निकाय चुनाव 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को आधार माना जाए कहा गया है। सरकार की ओर से अपर अधिवक्ता ने आग्रह किया है।
मामले को जल्द निस्तारित किए जाने का आग्रह किया गया है। खबर पर हमारे संवाददाता रितेश सबसे जुड़ेंगे। रितेश, ओबीसी आरक्षण को लेकर आज फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, कल भी सुनवाई हुई थी, कल क्या कुछ हुआ था कोर्ट में, आज भी सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए मैम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, नगर निकाय चुनाव को जो आरक्षण का मुद्दा है उसके लिए सरकार ने जो भी चीजें थी उसको वहां पर जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट आक्रोश है, अभी जवाब के लिए वो पूरी तरीके से विस्तृत नहीं है, इस वजह से कल सुनवाई टाल दी गई है और वो सुनवाई आज फिर से होगी। फिलहाल जो अपर अधिवक्ता है सरकार की तरफ से, उनसे दलील दी गई थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगली बार जो आरक्षण की सूची हो 2017 के को ही मान करके, आधार मान करके वो कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। हालांकि अभी जिस तरीके से बात चल रही है, अभी कोर्ट ने दोनों पक्षों को ये कह दिया है कि अभी दोनों पक्ष अपना हालत प्रमाण पेश करें, जो भी जानकारियां अभी नहीं जुटाई गई उन जानकारियों को पूरी तरीके से जुटा करके आज पेश करेंगे, जब दोनों तरफ से पूरे सबूत होंगे तो उस हिसाब से आज उस पर सुनवाई होगी। ये तो कोर्ट का फैसला होगा आज कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद क्या सुनवाई होती है और किस तरीके का फैसला आता है। फिलहाल अभी तो अधिसूचना जो है चुनाव की वो रोक दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अभी चुनाव को रोका गया है। फिलहाल अभी ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से ये दलीलें दी गई है कि जो 2017 में आरक्षण लागू किया गया था उसको लेकर के अगली बार आधार मान करके अगली बार कर दिया जाए। फिलहाल अभी इसको हाईकोर्ट ने नकार दिया है, आज इससे दोनों पक्षों की जो है बातें सुनी जाएंगी, उसके बाद विवेक जिस तरह से आरक्षण को लेकर कोर्ट में पेश हो माफ कीजिएगा रितेश, जिस तरह से आरक्षण को लेकर कोर्ट में पेच फंसा हुआ है, सरकार ने अपनी तरफ से बातें रखी है, तमाम चीजों को लेकर आज उम्मीद जताई जा सकती है कि आज फैसला आ जाएगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की निगाह आज हाईकोर्ट फैसले पर है, जिस पर अधिसूचना को लेकर के, चुनाव और आरक्षण को लेकर के जो भी आपत्तियां जो दाखिल की गई थी उन आपत्तियों के बाद हाईकोर्ट में लगातार जो फैसला चल रहा है, जो सुनवाई चल रही है, आज उसका अंतिम दिन है, हो सकता है आज अंतिम रूप को फैसला ले रहे, हो सकता है आज जो कोर्ट के बेंच जो बैठेगी, जो उसमें न्यायाधीश बैठेंगे वो आज इस पर फैसला सुनाएंगे। हालांकि दोनों पक्षों को ये कह दिया गया साफ तौर पर कि अपनी पूरी होमवर्क करके आ जाए, उसके बाद उस पर बहस होगी, क्योंकि मामला बहुत लंबा खींच गया है। नगर निकाय चुनाव के जो सूचना है वो जारी होने वाली भी है, मामला भी अभी हाईकोर्ट की वजह से रुका है, जब हाईकोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगा उसके बाद ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, उसके बाद चुनाव और उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज होगी। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। इरफान सोलंकी से जुड़ा मामला सामने आया है, बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। इरफान सोलंकी को महराजगंज लेकर रवाना हुई है पुलिस। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जेल में शिफ्टिंग हुई है। कानपुर से महराजगंज लेकर रवाना हुई है कानपुर पुलिस। बड़ी संख्या में फोर्स इरफान के साथ रवाना हुई है। इरफान सोलंकी के हाथ में कुरान लेकर जेल से निकले इरफान सोलंकी। भावुक नजर आए विधायक इरफान सोलंकी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, इरफान सोलंकी को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया है, क्या वजह है एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने की? जी, इरफान सोलंकी को लेकर के अगर कानपुर जेल से लेकर के महाराजपुर जेल इसलिए शिफ्ट किया गया, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आए दिन कभी प्रतिपक्ष के नेता, कभी कोई वकील, कभी कोई उनसे मिलने चला था, हर पार्टी चला था, इसको लेकर पूछताछ को लेकर विघन मतलब दिक्कत जेल प्रशासन को ज्यादा हो रही थी, इसको लेकर के जो है उन्होंने जो ऊपर आयोग से पूरा चिट्ठी भेजी, कल उसकी चिट्ठी भेजने के बाद उसको अप्रूवल मिल गया है और आज इरफान सोलंकी को जो है महाराजपुर जेल शिफ्ट किया जा रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से साफ होते हुए इरफान सोलंकी हाथ में कुरान लिए हुए थे और उनका जो चेहरा था देखा पूरी तरीके से बिल्कुल भावुक चेहरा था। और कहीं ना कहीं सवाल ये उतरने जा रहा है कि इरफान सोलंकी को अगर महाराजपुर जेल शिफ्ट किया गया है उसके बाद, और रिजवान सोलंकी जो उनके भाई हैं उनको भी
किया गया कि उनसे भी जो पाकिस्तान जो दो अकाउंट से पैसा ट्रांजेक्शन होता था उसको लेकर जो पूछताछ करनी थी, इसलिए उनको रिजवान को यहाँ पे भी रोका गया है कानपुर में। जी उपेंद्र, इरफान सोलंकी मामले में रोज नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, लगातार इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या आगे और भी चीजें सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, आप पता चले जो इरफान सोलंकी भाई रिजवान सोलंकी है उनसे जो फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड और जो पासपोर्ट बनाकर जिन पासपोर्ट उन्होंने ट्रेवल किया था उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सवाल ये उठ रहा था कि रिजवान सोलंकी जितना शिकंजा कसते जा रही पुलिस। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब विपक्ष के लेकर जो है अखिलेश यादव जो है कानपुर जब आए थे उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा पुलिस के विश्वास है पुलिस के जांच पे, और वही राष्ट्रीय अखिलेश यादव उनका साफ कर बलपन सिंह के मामले में कि कानपुर मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं लगाया तो इनका जो साथ के नेता है राष्ट्रीय लेवल के नेता जो है अखिलेश यादव जो उनका कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे, उनको सब दोष समझ आ रहा है। और उसी के ठीक 15 मिनट बाद जो है कानपुर कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ज्वाइंट कमिश्नर जो है उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने सारे साक्ष जो है दिखाए रिजवान सोलंकी संबंधित कि दो ऐसे अकाउंट जो पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा फंडिंग हो रही है उस फंडिंग का जो पैसा पाकिस्तान से आ रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किस लेवल पे भारत में यूज हो रहा है कि यूपी में यूज हो रहा है कि कानपुर में कहाँ यूज हो रहा है, अभी कोई क्लियर नहीं है, अभी इसको रोका गया है। पर इरफान सोलंकी को जो जेल शिफ्ट किया गया है इसका कुछ ना कुछ देखा है तो कुछ बड़ा पुलिस खोलने वाली जल्द। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।